अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सैम रेसिपीज़। सैम रेसिपीज़ में आज बन रहे हैं पराठे दाल भरे। बहुत ही मज़ेदार सिंपल सी स्टफिंग है, लेकिन बहुत मज़ेदार है। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने एक पाव चने की दाल ली है और इसे वॉश करके एक घंटे के लिए भिगो दिया था। अब एक कुकर प्रेशर में ये सारी दाल शिफ्ट कर देंगे। इसमें शामिल करेंगे 2 गिलास पानी, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 2 टीस्पून या फिर हसबे जायका, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब बस कवर कर देंगे और दाल गल जाने तक पका लेंगे। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद अगर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं तो दाल अच्छे से गल जाती है। आटा गूंदने के लिए मैंने 3 पाव आटा लिया है, वाइट वाला। उसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल, हसबे जायका नमक, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा तो उसमें अच्छा लगता है पराठे में। आटा मैंने बिल्कुल वैसे ही गूंदा है जैसे नॉर्मली हम गूंदते हैं, और देखें ना ज़्यादा नरम है ना सख्त। अब आधा घंटा इसे रेस्ट दे लेंगे। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद मैंने 5 मिनट पकाया है। अब हम चेक कर लेते हैं, दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है। ये देखिए, ये इतनी नरम होनी चाहिए कि ये देखें कि आराम से मैश हो जाए। अब बस हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे और इसी कर्व स्पून की मदद से इसको हम मैश कर लेंगे। पानी जो हमने डाला था वो ड्राई हो गया है। अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे और इसी स्पून की मदद से हम मैश कर लेंगे। बहुत आसानी से हो जाता है, अगर आप चाहें तो मशीन में भी ये काम कर सकते हैं। ये सारी दाल अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और इससे बनाएंगे पराठे। अब हम एक पेड़ा बना लेंगे नॉर्मल से थोड़े छोटे साइज़ का, और इस तरह से दबा दबा के हम फिलिंग की जगह बना लेंगे। इसके सेंटर में हम दाल रख देंगे, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर मैंने ली है, और इसे हर तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये एक पेड़ा तैयार है, इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। थोड़ी सी खुश्की लगाकर इसे हम पहले कॉर्नर से दबा दबा के प्रेस कर लेंगे। अब इस तरह से इसे बेल लेंगे और ये बहुत आसानी से हो जाता है, इसकी फिलिंग बाहर नहीं निकलती। लेकिन अगर हम दूसरे किसी उसका पराठा बनाएं जैसे आलू वगैरह का, तो फिर 2 पेड़ों में काम करना पड़ता है। दाल अगर हमारी अच्छी तरह से पिसी हुई होगी तभी इस तरह से अच्छा पराठा बनेगा, वरना फिर फिलिंग बाहर निकल सकती है। तवे को पहले से गर्म कर लिया है। अब हम एहतियात से पराठा इसमें डाल देंगे। जब एक साइड से हल्का सा सिक जाए तो इसे पलट देंगे। दोनों साइड से जब हल्का हल्का सिक जाए तो अब हम इसमें घी लगा देंगे और आंच को स्लो कर देंगे। हर तरफ से पलट पलट कर इसे तल लेंगे, और अगर आंच तेज़ होगी तो फिर पराठा जल सकता है। एक तरफ से बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है, अब दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। अगर आपको घी कम लगे तो आप हसबे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पराठा तैयार है, इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। जी फ्रेंड्स, ये पराठे बने हैं बहुत ही नरम और बहुत मज़ेदार, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें सैम रेसिपीज़ और देखते रहें मज़े मज़े की रेसिपीज़।